नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग अपने फ़ोन में फ्री फायर चला रहे हो लेकिन नहीं चल रहा है, तो दोस्तों जो फ्री फायर है वो क्यों नहीं चल रहा है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। और इसको हम कैसे सही करेंगे, कैसे चलाएंगे, आज के इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊँगा और सभी सेटिंग्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको करना है क्या, यहाँ पर आपको फ्री फायर ओपन करके देखना, जैसे कि ओपन हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है अगर तो आपको सबसे पहले जो यहाँ पर एक एक मैं सेटिंग्स आपको बताते हुए चलूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना होगा अपना, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फ्री फायर सर्च करना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने फ्री फायर ओपन किया हुआ है, अब यहाँ पर देखोगे तो मेरे पास प्ले करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आपके केस में हो सकता है कि यहाँ पर अपडेट करने का है, ठीक है। अगर अपडेट कर रहा है तो आपको सबसे पहले अपडेट करना होगा इसको, ठीक है। अगर अपडेट का ऑप्शन नहीं है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और फ्री फायर को ओपन करके देखना है कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है। जैसे कि अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो उसको हम कैसे सही करेंगे, या फिर कोई और प्रॉब्लम है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऐप इन्फो पर क्लिक करना है। सबसे पहले इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है, ऐप इन्फो पर क्लिक कर सकते हो या फिर आप स्क्रॉल करके यहाँ पर आइए नीचे और सेटिंग पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाइए और यहाँ पर आपको ऐप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद सी ऑल ऐप्स पे आपको क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको फ्री फायर ढूंढ लेना है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि फ्री फायर कहाँ पर है, तो और स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो तो ये रहा फ्री फायर। अब हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं फ्री फायर पर, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर परमिशंस में आना है। सबसे पहले तो सभी परमिशंस का यहाँ पे अलाउ करना है, अगर कोई भी परमिशन बाकी है तो वो सबसे पहले आप परमिशन इसको दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं इस तरीके से सभी परमिशंस को अलाउ कर देता हूँ, यहाँ पर जैसे कि मैंने सभी परमिशंस इसको दे दिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बैक आना है, बैक आने के बाद अब आपको करना क्या, यहाँ पर जैसे कि स्टोरेज एंड कैच वाला ऑप्शन है इसमें आना है और यहाँ पे क्लियर स्टोरेज पे क्लिक करना है। और दोस्तों क्लियर स्टोरेज पे क्लिक करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस समय जो आईडी आपने लॉगिन की होगी वो लॉग आउट हो जाएगी, आपको उसको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लियर स्टोरेज एंड क्लियर कैच करके उसके बाद चेक कर सकते हो। अगर आपका प्रॉब्लम फिर भी नहीं सही हुआ है तो आपको क्या करना वो भी यहाँ पे ध्यान से समझिए। सबसे पहले बैक आना है, ठीक है दोस्तों। बैक आने के बाद अब आपको और बैक आना है और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों सेटिंग में आपको एक सेटिंग मिलती है यहाँ पे नेटवर्क और इंटरनेट की, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क के अंदर आना है और यहाँ पर दोस्तों सिम वन पर मैंने क्लिक किया क्योंकि मैं सिम वन से ही डेटा यूज कर रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो रोमिंग वाला सेटिंग है इसको ऑन, मेरा ऑन था ऑलरेडी, इसको मैंने बंद करके दोबारा चालू किया है। तो ये जो सेटिंग्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं इनको बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपने फ़ोन में भी सेट करना है, ठीक है। और एक्सेस पॉइंट नेम के अंदर आकर के इसको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर लेना है, ठीक है। इतना ये काम कर लीजिए। काम करने के बाद अब आपको क्या करना है, एक बार अपना जो यहाँ पे फ्लाइट मोड होता है उसको ऑन करके ऑफ करिए, या फिर अपना फ़ोन जो है स्विच ऑफ करिए पहले एक बार और फिर दोबारा ओपन करिए और फिर फ्री फायर ओपन करके देखिए कि अभी काम कर रहा है या फिर नहीं। अगर फिर भी नहीं काम कर रहा है तो आपको यहाँ पे आना है दोबारा से नेटवर्क इंटरनेट में और मोबाइल मैनेजमेंट में आना है और यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पे जो दो सेटिंग्स आपको देखने के लिए मिलती हैं यहाँ पर दोस्तों आपको, जैसे कि वाईफाई वाला मेरा यहाँ पे, तो इस तरीके से आपको इसको एक बार बंद करके चालू करना है। इसी तरीके से यहाँ पर मोबाइल डेटा वाला भी इस तरीके से करके और इस तरीके से आप कर दीजिएगा, ठीक है। इतना काम करोगे जैसे ही, उसके बाद आपका जो फ्री फायर है वो चलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं कि अभी चल जाएगा। और इसके बाद भी अगर नहीं चल रहा है तो आपको दोस्तों यहाँ पर कुछ देर इंतज़ार करना है। हो सकता है कि यहाँ पर जो है सर्वर प्रॉब्लम हो, तो आप कुछ समय बाद जब ट्राई करोगे तो ओपन हो जाएगा, लेकिन अगर ओपन हो गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर कोई एरर आ रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ताकि उस पर मैं एक डिटेल में एक वीडियो डाल दूंगा अपने चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं।